देखो पहले का पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू फाइव, इक्वेशन नंबर वन। दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू फोर, इक्वेशन नंबर टू। अब इधर ध्यान दो, इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारा मन है कि हम x को बराबर करके सॉल्व करते हैं, इसको x को बराबर करके सॉल्व करते हैं। तो x को इक्वल करने का तरीका ये है, यहाँ पे 2 है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे क्या है 1, 1 से इसमें कर दो, मतलब इसमें कुछ करो ही मत। हाँ ये दिखाना पड़ेगा, और उससे पता कैसे चलेगा तुम करके से बराबर रहे हो। अब देखो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 बन जा 2 बाई इक्वल टू 25 जा 10, ठीक है। 2 से 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 2x माइनस 3 बाई इक्वल टू 4। अब इतना करने के बाद हम ये देखेंगे हमने किसको बराबर करा है, किसको बराबर करा है x को। x के साइन देखो दोनों के सेम साइन है, प्लस प्लस, और जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं इन्हें माइनस करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग, और सब्सट्रैक्ट करने पर साइन बदल जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस। उसके साइन देखने जिसके तुमने बराबर करा है, ठीक है, वो मैंने नोट करवा दिया। अगर सेम साइन है तो ऑन सब्सट्रैक्टिंग, और अपोजिट साइन है तो ऑन एडिंग। अब प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 3 बाई ये है, 2 बाई ये है, 3 2 कितने हो गए 5 बाई 10, में से 4 गया तो कितना आ गया 6, और y इक्वल टू कितना आ गया 6/5, y की वैल्यू आ गई। अब y किसी में भी रख लो जो तुम्हें हल्की लग रही हो इक्वेशन, पुटिंग पहली में ही रखे करेंगे हम ज़्यादातर, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में y की वैल्यू रख लेंगे तो x प्लस y की वैल्यू हो गई 6/5 इक्वल टू 5। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 6/5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, माइनस 6 बन जा 6, x इक्वल टू 25 में से 6 माइनस करेंगे 19/5। ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अब मैं तुम्हें एक तरीके से और करके दिखाता हूँ, ये तो हमने x को बराबर करा है, अगर तुम y को बराबर करते, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1, दूसरे क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें क्या करना, अब मैं y को बराबर करके सॉल्व कर रहा हूँ उसको, x को नहीं कर रहा क्योंकि ये तो हमारी चॉइस है। तो y को बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे इर्तिका, ऊपर 3 से और नीचे 1 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 बन जा 3y इक्वल टू 35 जा 15, और नीचे 1 से करिए, 1 का मतलब कुछ करा ही नहीं। अब किसको बराबर करा हमने, y को। अब y के साइन देखेंगे, एक प्लस है एक माइनस, अपोजिट है तो अपोजिट में क्या लिखेंगे ऑन एडिंग, जोड़ देंगे इन्हें ऑन एडिंग, और एडिंग करने पे कोई साइन चेंज नहीं होता, प्लस माइनस अपने आप कैंसिल हो जाएंगे बिना साइन चेंज करे। 3 और 2 कितना हो गया 5x, 15 4 19, x इक्वल टू 19y5। अंतर पता लगा दोनों में अंतर क्या है, इसने हमें y की वैल्यू पहले दी थी, कोई वैसे कर रहा तो x का आंसर वो पहले दे रहा है, इतना सा अंतर है। अब पुटिंग x की वैल्यू 1 में पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की जगह 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 माइनस 19/5, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 25 माइनस 19/5, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5, ठीक है, ये आंसर होगी, आंसर वही आएंगे दोनों से। अब ये तुम्हारा मन है कौन से क्वेश्चन में तुम x को बराबर कर रहे हो, कौन से में y को बराबर कर रहे हो। सबसे आसान मेथड है